जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सोमवार 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। श्री कृष्ण के भक्त पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। इस दिन को बाल गोपाल या कान्हा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जानिए इस त्यौहार का महत्व और इतिहास। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये पर्व और इसके महत्व के बारे में। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और वृंदावन के बहुत ही खास रूप से सजाया जाता है। कृष्ण की नगरी में जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने देवकी की कोख से उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद उनके पिता वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे। कृष्ण का सारा बचपन नंदगांव में बीता। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्ति कराने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। इस साल कृष्ण जन्म उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का इतिहास। जन्माष्टमी का त्यौहार सदियों से मनाया जाता रहा है। ये पर्व हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पर कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। कृष्ण के जन्म से लोक प्रलोक दोनों ही प्रसन्न हो गए। इस कारण कृष्ण के जन्म के रूप में जन्माष्टमी का पर्व भाद्र महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाता और जाने लगा है। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से और व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सारी जगहों पर दही हांडी का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही कृष्ण की बाल लीलाओं का भी आयोजन किया जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूरे करें। धन्यवाद।